अब एग्जैक्टली KCL क्या है, मैं KCL की बात करता हूँ, ठीक समझिएगा, सिंपल सा है, ठीक है, आपको मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर आपसे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा, समझते चलिएगा, ठीक है। क्या है, इसने कहा, इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन must be equal to the sum of currents equal to the sum of currents leaving the junction। अब हम प्रॉपर सर्किट में बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है, प्रॉपर सर्किट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट को हम कुछ KCL का नाम यहाँ पे देखे बैठे हैं कि भाई ये समथिंग KCL टाइप है कुछ, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास एक जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से मीटिंग पॉइंट, है ना। अब सर्किट है, अब जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो मीटिंग पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं या तो चौराहा देखते हैं या तो तिराहा देखते हैं। चौराहा मतलब जहाँ से चार राहें जाएँ, तिराहा मतलब जहाँ से तीन राहें जाएँ, है ना, ये देखते हैं हम लोग। अब एग्जैक्टली क्या है कि जब सर्किट आएगा तो ये तो कोई रेस्ट्रिक्शन होगी नहीं कि सर क्या नाम है तीन राहें या चार राहें, है ना, तो उसमें तो कितनी भी राहें हो सकती हैं। इसने कहा हाँ हो तो सकती हैं। तो इसने कहा कि I1 यहाँ से है, लेट सपोज I2 लेट सपोज यहाँ से है, I3 तुम्हारे पास यहाँ से है, ओके, देन तुम्हारे पास I4 यहाँ से है और देन तुम्हारे पास जो है I5 यहाँ से है। ऐसा पता लग रहा है कि ये तुम्हारे पास जंक्शन J है, तो जो I1 है और ये तो तुम्हारे पास I2 है, ओके, I1 और I2 जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास एंटरिंग कर रही है, ठीक है, I1 और I2 तुम्हारे पास एंटरिंग कर रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो I4 है, जो तुम्हारे पास I3 है, जो तुम्हारे पास I5 है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तुम्हारे पास एग्जिट कर रहा है। हमने कहा ठीक है, इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लीविंग द तुम्हारे पास जंक्शन, लीविंग द तुम्हारे पास क्या जंक्शन। इसने कहा हाँ ठीक है, क्या बोला इसने, इसने कहा कि I1 प्लस तुम्हारे पास I2 इज इक्वल्स टू I4 प्लस तुम्हारे पास I3 प्लस तुम्हारे पास I5। ये लोग कौन हैं, ये लोग जो तुम्हारे पास एंट्री कर रहे हैं जंक्शन की तरफ, ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे पास एग्जिट कर रहे हैं जंक्शन से। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ऐसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस तुम्हारे पास I2 माइनस तुम्हारे पास I3 माइनस तुम्हारे पास I4 माइनस तुम्हारे पास I5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक, तो मैंने कहा कि मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा। इसने कहा हाँ, इसका मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, इसका मतलब होता है तुम्हारे पास समेशन ऑफ करेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारे पास समेशन ऑफ करेंट, ठीक। तो समेशन ऑफ करेंट 0 इज इक्वल्स टू हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिख रहा था तो जो एंटरिंग कर रहे थे उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूँ, जो एग्जिट कर रहे हैं उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखा हूँ। तो जितने लोग एंट्री कर रहे होंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं, जितने लोग एग्जिट कर रहे होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, और इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। तो अल्टीमेटली बात तुम्हारे पास तो यही बनेगी। तो इसने कहा कि सर ये क्या है कि एंट्री को पॉजिटिव करना है, एग्जिट को नेगेटिव करना है, फिर तो हम कुछ भी मान सकते हैं। इसने कहा हाँ यार, मान तो कुछ भी सकते हो। तो इसने कहा जब हम कुछ भी मान सकते हैं तो हम कुछ भी कह लेंगे, हम बस इतना जानते हैं कि बाएं हाथ में उनको लिखेंगे जो एंट्री कर रहे हैं, दाएं हाथ में उनको लिखेंगे जो एग्जिट कर रहे हैं, और उठा के इधर ले जाएंगे बाएं हाथ में मतलब LHS में या फिर RHS में ले जाएंगे और लिख देंगे समीशन I=0, ठीक है। इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, किरचॉफ करंट लॉ। इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, चलो भाई इसका नाम किरचॉफ करंट लॉ ऐसा ही है। अब इसके बाद एक इनके और भाई आए, इनका ना क्या नाम था, इनका नाम था तुम्हारे पास KVL, ठीक। अब KVL ने क्या बोला, KVL ने अपनी बात कही, इन्होंने कहा हम अपना कुछ कहेंगे। इन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल
तुम्हारे पास डिफरेंस जेल्डेब्राइट सम ऑफ द पोटेंशियल तुम्हारे पास डिफरेंस ठीक है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप अराउंड एनी तुम्हारे पास क्लोज्ड लूप अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज तुम्हारे पास कितना इज तुम्हारे पास जीरो इसने कहा ठीक सर सही है अब इसने क्या बोला इसने कहा कि सर ये बोल रहा है समीशन वी इज इक्वल टू जीरो जिस तरीके से ये बोल रहा है समीशन आई इज इक्वल टू जीरो उसी तरीके से बोल रहे हैं समीशन वी इज इक्वल टू जीरो ये बोल रहे हैं समीशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं इन्होंने क्या बोला इन्होंने कहा कि हम KCL हैं हम करंट के बारे में बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि दिस लॉ ठीक है दिस लॉ कौन सा लॉ ये वाला लॉ दिस लॉ टेल्स अबाउट चार्ज कंजर्वेशन ठीक है ना दिस लॉ टेल्स अबाउट तुम्हारे पास क्या चार्ज कंजर्वेशन MCQ के लिए बड़ा अच्छा सा सवाल है और बहुत ही ईजी सा सवाल है पूछ लेते हैं KCL इज बेस्ड अपॉन विच क्या नाम है KCL टेल्स अबाउट विच पार्ट तो KCL टेल्स अबाउट चार्ज कंजर्वेशन इसने कहा ठीक है KVL अब अगर मैं आपसे कहता हूँ यार पोटेंशियल डिफरेंस अब अगर मैं आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूँ तो तुम्हारे सामने ये आ जाना चाहिए W एक्सटर्नल अपॉन तुम्हारे पास एनी क्यू नॉट ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस है क्या अगर कोई तुमसे पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो तुम ये मत कहने ना दो पॉइंट हैं उनका पोटेंशियल है अलग अलग उनके बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं 9th क्लास की डेफिनेशन थोड़ी ना चाहिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस वो अमाउंट ऑफ काम है जो कि किया जाता है क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए तो देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली तुम्हारे पास सर एनर्जी है ठीक है एक काम है काम मतलब एनर्जी है जो कि की जाती है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने के लिए तो इसने कहा कि ठीक है फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि टेल्स अबाउट तुम्हारे पास क्या टेल्स अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन ये किसके बारे में बात करते हैं ये बात करते हैं तुम्हारे पास एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर आपके पास सवाल आता है कि KCL क्या बताता है हमको सिग्निफिकेंस क्या है KCL का KCL का सिग्निफिकेंस है चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बताना KVL क्या बताता है KVL का सिग्निफिकेंस है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताना तो ध्यान देना ये दो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं ठीक है MCQ के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा 100% आप मान के चलिए किसी न किसी पार्ट में किसी न किसी सेट में जरूर आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि KVL क्या बताता है और KCL क्या बताता है ठीक चलो ये तो हो गई बात अब इसमें कुछ यहाँ पे बातें हैं उनके बारे में हम आपसे जरा कर लेते हैं बातें समझिएगा जरा अब मैं आपको प्रॉपर सर्किट पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर मैं आपको इक्वेशन बताने वाला हूँ प्रॉपर मैं आपको पोटेंशियल्स निकलवाने वाला हूँ बेसिक से देखिएगा अगर ध्यान से आपको एक बारी में समझ आ जाएगा मुझे बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा ठीक तो मान लो कि तुम्हारे पास ये एक मैंने एक सर्किट बनाया है ठीक है आ जाओ भाई ये मैंने तुम्हारे पास एक सर्किट बनाया है ये तुम्हारे पास यहाँ पे है और एक मैंने तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे और यहाँ एक तुम्हारे पास यहाँ यहाँ पे एक वापस यहाँ और कुछ यहाँ पे ठीक ये मैं ये बना देता हूँ सिंगा ठीक है भाई बना दो ये हमने यहाँ बना दिया और हमने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया और फिर हमने ये तुम्हारे पास कुछ यहाँ बना दिया ये हमने बना कर दिया ये हमने कुछ यहाँ बना दिया और ये हमने कुछ यहाँ बना दिया ठीक है ये क्या बना दिया आपने ये मैंने सर्किट बना दिया इसमें इतने सारे लोग कहाँ से लगा दिए हाँ लगा दिए ना ये तुम्हारे पास हो गया E1 ये हो गया R1 ये हो गया तुम्हारे पास E2 ये हो गया तुम्हारे पास R2 ये हो गया तुम्हारे पास E3 है ना ये हो गया तुम्हारे पास R3 ये हो गया तुम्हारे पास E4 और ये हो गया तुम्हारे पास R ठीक है सो E1 E2 E3 E4 सब कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे लगा हुआ किसने कहा ठीक है मुझे तीन लोगों के बारे में आपको समझाना है पहला नाम है जंक्शन ठीक है इसने कहा एक बीच में और उठा लो ताकि वो समझाने में आसानी रहेगी तो हमने यहाँ से इसको उठाया यहाँ बना दिया ठीक है और हमने कहा कि भैया ऐसा है यहाँ पे एक ले लो ये ले लो यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ले लो तुम्हारे पास देखिएगा जरा बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा तो मैं यहाँ बता रहा था ये जंक्शन है और लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने कोई एक सेल लगा रखा है ठीक ये तुम्हारे पास कोई E5 है ये R पे ठीक है ये जंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है जंक्शन को इसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं इसने कहा कि जंक्शन एग्जैक्टली क्या है इसने कहा कि एनी पॉइंट इसने क्या बोला इसने कहा कि एनी पॉइंट इन द सर्किट
उसने बोला कि एनी पॉइंट इन द सर्किट, एक ऐसा पॉइंट सर्किट पे, ठीक है, वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर तुम्हारे पास कनेक्टेड. इसने कहा जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड हो. जैसे मान लो उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास सी है, ये तुम्हारे पास डी है, और तुमको लगेगा इस बी तुम्हारे पास जंक्शन से, इस बी तुम्हारे पास जंक्शन से क्या क्या एग्जैक्टली कनेक्टेड है. इस बी जंक्शन से तुम्हारे पास कनेक्टेड है क्या, एक तो ए बी कनेक्टेड है, और क्या कनेक्टेड है, एक तो बी डी कनेक्टेड है, और क्या कनेक्टेड है, एक तो बी सी कनेक्टेड है. ठीक है, तो बी जो है एक तरीके से तिराहा हो गया, ठीक है, एक ए बी रोड है, एक बी डी रोड है, और एक तुम्हारे पास बी सी रोड है. तो एक ऐसा पॉइंट तुम्हारे पास सर्किट में जहां पे दो तुम्हारे पास और तुम्हारे पास उससे ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड होंगे, तो वो तुम्हारे पास जो है जंक्शन पॉइंट होगा. इसने कहा ठीक है भाई. नेक्स्ट आता है शख्स जिसका नाम होता है ब्रांच. ठीक, नेक्स्ट शख्स आता है जिसका नाम क्या होता है, ब्रांच. अब ब्रांच एग्जैक्टली क्या है. इसने कहा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ जंक्शन, इसने क्या बोला कि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ जंक्शन, किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट जंक्शन के पॉइंट बीच में, ठीक है, देयर इज अ ब्रांच. ठीक है, देयर इज अ ब्रांच, एक ब्रांच होती है. इसने कहा ठीक है. इसने कहा कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक देखा जाए, ये भी तुम्हारे पास एक जंक्शन है, बी भी तुम्हारे पास एक जंक्शन है, ये भी तुम्हारे पास एक जंक्शन है, और डी भी तुम्हारे पास एक जंक्शन है. ठीक है, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास बी और सी के बीच में, ठीक है, बी और सी के बीच में तुम्हारे पास जो बी सी है वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, वो तुम्हारे पास एक ब्रांच कहलाएगी. इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फिर एक और शख्स आया, इनका क्या नाम है, इनका नाम है तुम्हारे पास लूप या फिर तुम्हारे पास क्या, क्या नाम है इनका, इनका नाम है लूप या फिर तुम्हारे पास मैश. ठीक, अब ये लूप और मैश क्या चीज है. इन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कितने क्लोज फिगर, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कितने क्लोज फिगर है, तो तुम कहोगे एक क्लोज फिगर दिख रहा है ए बी सी डी ए दिख रहा है, एक दिख रहा है तुम्हारे पास ए बी डी ए दिख रहा है, और एक दिख रहा है तुम्हारे पास बी सी डी ई दिख रहा है ना, ये तुम्हारे दिख रहा है, ऐसे क्लोज दिख रहे हैं, प्रॉपर क्लोज फिगर. जैसे बच्चों में नहीं करते थे हम लोग छोटी क्लासेस में, चला गया यार, लाइट चली गई है यहाँ, ये भी नेटिंग काम कर सकते, नेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सुनिएगा जरा. अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं लूप और मैश के बारे में. ठीक है, अब ये लूप और मैश एग्जैक्टली क्या है. अगर मैं आपसे कहूँगा कि एक तुम्हारे पास ये क्लोज फिगर है, एक तुम्हारे पास ये क्लोज फिगर है, और एक तुम्हारे पास ये क्लोज फिगर है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार मेरे को लूप और मैश आपको बताना है, तो मैं कहूँगा कि एनी, मैं कहूँगा कि एनी क्लोज्ड, ठीक है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग, मैं आपसे बोलूँगा एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड लूप या फिर मैश. ठीक है, डिस्टर्बेंस फिर से आ रहा है क्या आप लोग के में, आयुष्मान के अलावा और किसी की में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या, इधर हवा हवा जैसा आ रहा है क्या बिल्कुल. यस सर, रुको जरा मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ ताकि कम से कम आवाज ना. ओके, अभी भी आ रहा है आवाज, अभी भी आवाज आ रहा है. यस सर, आज कैसे हो रहा है, चेंज करके देख ली हमने, तो नेट में प्रॉब्लम है क्या आज. ठीक, अच्छे
अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है आपके में, हो सकता है नेट काफी दिक्कत कर रहा हूँ, तो बड़ी बात नहीं। अभी आ रहा है आयुष्मान, अभी भी आ रहा है, चला गया? यस सर आ रहा है अभी भी। हाँ अभी भी आ रहा है। एक मिनट सर रुकिएगा, जरा ऊपर से वाईफाई जरा चेंज करके आओ, दूसरा दूसरे वाले से। अच्छा रुकिए, दो मिनट में आ रहा हूँ। कनेक्ट तो कर दिया, एक दो मिनट में आ जाएगा। अभी आवाज चल रहा है क्या आपके में? डिस्टर्बेंस अभी भी चल रहा है? ओके हाँ, बस दो मिनट हुआ, बस अभी ऐसे कनेक्शन आ गया। मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, अब मैं वाईफाई वाले से करके देखता हूँ, तो हो सकता है पता लग जाए ठीक क्या दिक्कत है। एक मिनट का अभी देखिएगा, आप चेक करिएगा क्या अभी भी आपको हवा जैसी आवाज आ रही है क्या? अभी हवा जैसी आवाज आ रही है, अभी भी हवा जैसी आवाज आ रही है। अच्छा फैन बंद करना करें, बैठे घर में लग रहा है जैसे कि ना गाड़ी में बैठे हैं। चेंज कर दिया है,
अभी अभी वही डिस्टर्बेंस बना हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही बन रहा है सर। अब सही अभी अभी गया। अच्छा ठीक 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 सर, क्लियर है। क्लियर है हाँ, चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सर। हाँ बेटा बता। सर ब्रांच एक बार दोबारा बता हाँ, दीजिए, अब डिस्कनेक्ट हो। मैं जंक्शन से दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक चलो, तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले जंक्शन की बात कर लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट सर्किट पे जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम जंक्शन बोलते हैं। जैसा कि बी पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं या सी पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बी पॉइंट में तुम्हारे पास ए बी और बी डी और बी सी कनेक्टेड है तो ये तुम्हारे पास जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अगर सी पॉइंट को अगर हम जंक्शन कहेंगे तो सी पॉइंट को अगर हम लोग जंक्शन यहाँ पे बोल देते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये सी बी और तुम्हारे पास सी डी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है तुम्हारे पास ब्रांच की। ब्रांच एग्जैक्टली क्या है? दो जंक्शन के बीच में जो तुम्हारे पास सर्किट का हिस्सा होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। जैसे बी सी जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास जंक्शन बी और तुम्हारे पास सी के बीच में है, तो बी सी तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। अब ये लूप क्या होता है? जैसा कि हम लोग छोटी क्लासेस में ये पढ़े हुए हैं कि लूप का क्या मीनिंग है, लूप का मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास कोई भी क्लोज पार्ट सर्किट, कोई भी जो है क्लोज फिगर। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए बी सी डी ए एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके अंदर ए बी डी ए एक छोटा ट्राइंगल है, उसके बाद बी सी डी बी एक छोटा ट्राइंगल है। तो कुल मिलाकर के तीन लूप एग्जैक्टली तीन क्लोज फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इज कॉल्ड तुम्हारे पास लूप या फिर तुम्हारे पास इसको जानते हैं नाम मेश। ठीक है, लूप या फिर तुम्हारे पास मेश नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लूप या फिर मेश तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने कहा कि एक तो तुम्हारे पास ये वाला देखा जाए, ठीक है, ये तुम्हारे पास हमको लूप दिखाई दे रहा है। एक तुम्हारे पास ये वाला देखा जाए, ये हमको लूप टू दिखाई दे रहा है। और अगर हम बड़ा वाला ए बी सी डी ए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमको लूप तुम्हारे पास बिग लूप थ्री दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब अभी सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जितने छोटे से छोटे लूप आप कंसीडर कर सकते हैं उतने छोटे से छोटे लूप आप यहाँ पे कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लूप लिखने पे आऊंगा तो मैं इसको लिख दूंगा ए बी तुम्हारे पास बी ए एक तुम्हारे पास लूप है और तुम्हारे पास बी सी डी बी एक तुम्हारे पास लूप है। ए बी सी डी ए भी लूप है पर उसको एग्जैक्टली कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक, तो ये तो कुछ बात हुई तुम्हारे पास लूप से रिलेटेड या इनकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक चीजें सिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे आपको चीज सिखानी है वो है तुम्हारे पास फाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को निकालने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए समझने में वरना आपका मेन कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले इसने क्या कहा कि एक क्वेश्चन के हेल्प से करवाते हैं। फाइंड द तुम्हारे पास पोटेंशियल एट बी, फाइंड द पोटेंशियल एट बी, बी पे पोटेंशियल निकालिए अगर तुम्हारे पास बी ए पे 2 वोल्ट है। ठीक है, और तुम्हारे पास गिवन ब्रांच। ठीक है, एक कोई इसने ब्रांच किसी सर्किट से उठा ली और उठाने के बाद हमको कुछ ऐसा फिगर यहाँ पे दिख गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या बोल, अब इसने कहा कि दिखाओ सर क्या एग्जैक्टली है। हमने यहाँ पे दिखाया, हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। ठीक, इसने कहा कि ये बी है, ये तुम्हारे पास ए है, ये मेरे को आई दे रखा है, कितना दे रखा है 2 एम्पियर, और ये मेरे को कितना दे रखा है 5 ओम दे रखा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। इसने कहा क्या, इसने कहा कि व्हेन करंट तुम्हारे पास एंटर्स टू तुम्हारे पास रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, मार्क इट पॉजिटिव।
ठीक है, इसने कहा कि व्हेन तुम्हारे पास करंट, व्हेन तुम्हारे पास करंट एग्जिट्स, ठीक है, फ्रॉम तुम्हारे पास क्या, फ्रॉम तुम्हारे पास रजिस्टर, मार्क मार्क इट तुम्हारे पास क्या, नेगेटिव। क्या बोला इसने, जब करंट तुम्हारे पास एंट्री करेगा रजिस्टर को, जब करंट तुम्हारे पास एंट्री करेगा रजिस्टर को तो उसे पॉजिटिव मार्क करना, एग्जिट मारेगा तो उसे नेगेटिव मार्क करना। अब अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव तुम्हारे पास एंट्री पे है तो एग्जिट तुम्हारे पास नेगेटिव पे है, इसने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये दो पर्टिकुलर पॉइंट बताए कि अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास करंट ऐसे जा रहा है, अगर तुम्हारे पास करंट ऐसे जा रहा है तो एंट्री को हम पॉजिटिव कहते हैं और एग्जिट को हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक। इसने कहा यहाँ पे कि पोलैरिटी ऑन रजिस्टर इज डिसाइडेड बाय, पोलैरिटी ऑन रजिस्टर इज डिसाइडेड बाय करंट, ठीक है, इज डिसाइडेड बाय करंट, ठीक। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा अबाउट द सेल। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास रजिस्टर है, ये तुम्हारे पास एक सेल है और ये तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, ठीक। मैं आपको एग्जांपल दे देकर के एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक। ये तुम्हारे पास करंट यहाँ पे आया और ये करंट तुम्हारे पास यहाँ पे आया, हाँ ये देखिए यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या बताया कि पोलैरिटी ऑन द रजिस्टर इज डिसाइडेड बाय द करंट डायरेक्शन, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हेक्स सेटअप है तुम्हारे पास, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम्हारे पास रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक। देन तुम्हारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम्हारे पास रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक। ये कुछ इस तरीके से सेटअप है। अब इस सेटअप पे हम आपसे क्या बोल सकते हैं, सेटअप पे हम आपसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, सॉरी लेट सपोज कि मैंने तुम्हारे पास करंट पहले यहाँ से भेजा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो तुम्हारे पास सेल है, इसने कहा कि हाँ सेल पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की डायरेक्शन तय नहीं करती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, ये तुम्हारे पास करंट चूंकि यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो करंट के लिए ये तुम्हारे पास जो है एंट्री पॉइंट हुआ इसलिए पॉजिटिव बनाया, ये तुम्हारे पास एग्जिट पॉइंट हुआ इसलिए नेगेटिव बनाया है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि करंट तुम्हारे इधर से एंट्री कर रहा, बी से लेकर के तुम्हारा ए की तरफ आ रहा, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसने कहा कि करंट के लिए ये तुम्हारे पास एंट्री पॉइंट है और करंट के लिए ये तुम्हारे पास एग्जिट पॉइंट है, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हारे पास यहाँ पे प्लॉट किया गया, ठीक। तो मेन बात इसमें क्या आती है, इसमें ये आती है कि पोलैरिटी ऑन सेल इज नॉट, पोलैरिटी ऑन सेल इज नॉट डिसाइडेड बाय करंट, पोलैरिटी ऑन सेल इज नॉट डिसाइडेड बाय करंट, करंट के द्वारा जो है सेल पे पोलैरिटी डिसाइड नहीं की जाती है। करंट क्या बोलते हो, करंट मतलब करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो इसने कहा बाय तुम्हारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इसने कहा कि बिग लाइन, इसने कहा कि बिग वर्टिकल लाइन, इसने क्या बोला, इसने कहा बिग वर्टिकल लाइन को आप जो है पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, और स्मॉल तुम्हारे पास वर्टिकल लाइन जो है, स्मॉल वर्टिकल लाइन जो है इसे आप जो है नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आई बस में तो बिग वर्टिकल लाइन और स्मॉल वर्टिकल लाइन है और ये किसी भी हाल में डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये दो दो मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक ये बात और एक तुम्हारे पास ये बात, ठीक। चलो अब बात करते हैं अपने सवाल की तरफ, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इफ वी इज 2 वोल्ट फॉर द गिवन ब्रांच, कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच यहाँ पे गिवन है, मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन था इधर की तरफ, ये आगे तुम्हारे पास ब्रांच और ये आगे तुम्हारे पास ऐसे, ये तुम्हारे पास ए पॉइंट है, ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बी पॉइंट है, ये रजिस्टर तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, हाँ। हमको क्वेश्चन में आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर दे रखा है, क्वेश्चन में हमको आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर दे रखा है, तो इसने कहा इसको हम पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं, इसे हम नेगेटिव मार्क कर लेते हैं, दिस विल बिहेव एज तुम्हारे पास एंट्री है और दिस विल बिहेव एज तुम्हारे पास क्या, एग्जिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट, इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसने कहा कि मेन बात यहाँ पे है कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, जो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, इज डिसाइडेड बाय तुम्हारे पास स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी और तुम्हारे पास गिवन बाय क्वेश्चन,
और तुम्हारे पास क्या गिवन बाय क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन के द्वारा दिया गया होगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है सर अगर ऐसा होता तो बढ़िया है। इसने बोला कि तुम्हारे पास हम डायरेक्शन ऑफ द करंट का ध्यान रखा जाए कि वो तुम्हारे पास या तो डिसाइड की जाएगी स्टूडेंट के द्वारा या तो डिसाइड की जाएगी तुम्हारे पास जो है ठीक है या तो डिसाइड की जाएगी तुम्हारे पास जो है क्वेश्चन के द्वारा गिवन होगी। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया। फिर इसने कहा कि मुझे इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है मुझे इक्वेशन को मुझे जो है इक्वेशन को फ्रेम करना है, मेरे को जो है इक्वेशन को फ्रेम करना है, इक्वेशन तुम्हारे पास फ्रेम। अब इक्वेशन फ्रेमिंग क्या, ठीक अब इसने कहा इक्वेशन फ्रेमिंग एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इक्वेशन तुम्हारे पास फ्रेम करते हैं। इसने कहा कि तुम्हारे पास एक होता है तुम्हारे पास सीडी, ठीक है इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है इसे हम बोलते हैं तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर हम इसे बोल सकते हैं तुम्हारे पास का करंट डायरेक्शन। ये मेरे को आपको सिखाना है उसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ये किसी बुक वगैरह में नहीं दी है कि करंट डायरेक्शन सीडी वीडी से कुछ नहीं देखा, ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो हमने कहा कि लेट सपोज ए से बी जाते हैं, ठीक है इसने कहा कि ऑलवेज, इसने कहा कि ऑलवेज सी द साइन ऑफ, ऑलवेज सी द साइन ऑफ तुम्हारे पास एग्जिट, ऑलवेज सी द साइन ऑफ एग्जिट पोलैरिटी, ऑलवेज सी द साइन ऑफ एग्जिट पोलैरिटी, ठीक है फ्रॉम तुम्हारे पास सेल या फिर तुम्हारे पास क्या रजिस्टर जो भी पढ़ रहा है। इसने कहा ठीक है। अब देखो जरा, अब हम क्या कह रहे, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ से जा रहे हैं बेटा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। इसने कहा ठीक है ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने बोला ई डी, ई डी तुम्हारे पास कहाँ है, ए से बी है। ये ई डी क्या है, ये ई डी है तुम्हारे पास इक्वेशन डायरेक्शन, ई डी तुम्हारे पास क्या है, ई डी है तुम्हारे पास जो है इक्वेशन डायरेक्शन। बस हमने ED अगर तुम्हारे पास इक्वेशन डायरेक्शन है तो हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखा वी ए, ठीक है ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल लिखा, फिर हमने कहा कि हमको साइन ऑफ एग्जिट देखना है, साइन ऑफ एग्जिट मेरा नेगेटिव है तो मैंने लिखा माइनस, मैंने लिखा 2 एम्पियर करंट इनटू 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक फिर आगे बढ़े कोई नहीं है, फिर इज इक्वल्स टू लिखा और इज इक्वल्स टू लिख दिया वी बी लिख दिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। वी ए की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है, तो हमने लिखा 2 माइनस तुम्हारे पास 10 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी बी, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 8 वोल्ट, ये आ गई तुम्हारे पास वी बी की वैल्यू, वी बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8 वोल्ट आ गई। हमने कहा ठीक सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि आप जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ये इक्वेशन डायरेक्शन है, ठीक है ए से बी करंट हो चुका है, करंट का काम पोलैरिटी लगाना था वो भी तय हो चुका है, अब कोई काम नहीं बचा उसका, ठीक है अब हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम ए से बी भी कर सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं मेरे को इक्वेशन फ्रेम करनी है और मैं बी से ए फ्रेम करूंगा, ठीक है मैं इक्वेशन को बी से ए करूंगा, जब बी से ए करोगे, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ डायग्राम, जब बी से तुम्हारे पास ए करोगे, ठीक है ये तुम्हारे पास कितना है 5 ओम है, ये तुम्हारे पास आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर है, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है, ठीक। अब मैं इक्वेशन फ्रेम करना चाहता हूँ बी से, मतलब मैं ऐसे देखूंगा, तो जब मैं जाऊँगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा मिलेगा एग्जिट, तो मैंने क्या लिखा बी बी से स्टार्ट करा, फिर मेरे को आया प्लस 2 इंटू तुम्हारे पास 5 इज इक्वल्स टू कितना बी ए, तो बी बी इज इक्वल्स टू कितना बी ए माइनस 5 टू द 10, ठीक है ये कितना 2 माइनस तुम्हारे पास 10, ये कितना माइनस 8, इस तरीके से आया, ठीक है सो बी बी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई कितना माइनस तुम्हारे पास 8, इस तरीके से आंसर आया। तो चाहे आप ए से बी ले लें चाहे आप बी से ए ले लें, तुम्हारी इक्वेशन डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए जो भी आपको बनानी है, आपको लेफ्ट से राइट बनानी है, आपको राइट से लेफ्ट बनानी है, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, ठीक है इसमें किसी और की चॉइस नहीं चलेगी, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसने कहा कि फाइंड द पोटेंशियल, इसने कहा कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, फाइंड द पोटेंशियल एट तुम्हारे पास पॉइंट बी, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है वी ए इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 10 वोल्ट। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे बना दिया, ठीक यहाँ पे इसको बना दिया है तुम्हारे पास ये रजिस्टर, ठीक और यहाँ पे हमने बना दिया है एक सेल, ठीक यहाँ पे हमने बना दिया है ये एक सेल यहाँ, ठीक। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हम कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं आपको, ये आप ले लीजिए 2 ओम, ठीक ये अब ले लीजिए तो इतना 5 तुम्हारे पास
क्या नाम है वोल्ट, ठीक, ये आप करंट ले लीजिए, ये करंट आप ले लीजिए 2 एम्पियर, राइट, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ठीक। अब करंट की डायरेक्शन किधर है, ये तो आपका सी डी है, ठीक है, सी डी है, तो हम यहाँ पे तय कर लेते हैं, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, काम खत्म, ठीक है, ये हो गया। अब मुद्दा ये है कि मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं ए से बी लूंगा, ठीक है, कोई कहेगा कि मैं ए से बी लूंगा, किसको, तुम्हारे पास ई डी को, इक्वेशन डायरेक्शन को, कोई कहेगा कि मैं बी से ए लूंगा, किसको, तुम्हारे पास इक्वेशन डायरेक्शन को, ठीक है, ठीक है। अब ए से बी को इक्वेशन डायरेक्शन को ले रहा है तो क्या लिखेगा, बी ए माइनस 2 × 2 माइनस 5 इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना वी बी, अब मेरे को वी ए पता है तो ये हो गया 10 माइनस 2 × 4 माइनस 5 इक्वल्स टू वी बी, ये कितना हो गया प्लस 1 वोल्ट इक्वल्स टू वी बी, वी बी की वैल्यू निकल के आ गई, इसने कहा ठीक है। अब मेरे को बी से ए जाना है, बी से जाना है मतलब बी से ए की तरफ जाऊंगा, जब बी से ए की तरफ जाऊंगा लेट्स सपोज ऐसे में जा रहा हूँ, ठीक है, बी से ए जा रहा हूँ, तो ये एग्जिट हुआ और ये तुम्हारे पास एग्जिट हुआ, राइट, तो ये हो गया वी बी प्लस तुम्हारे पास 5 प्लस तुम्हारे पास 2 × 2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास बी ए, तो वी बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस तुम्हारे पास 9 और वी बी इज इक्वल्स टू कितना, ये हो गया 1। इस तरीके से हम लोग आई बस हम एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, और देखो जरा एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज कि मैंने तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया तुमको, मैंने कहा कि लेट्स सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, आपको वी ए माइनस वी बी निकालने की हो रही है, ठीक है, ठीक है, एक रजिस्टर, एक सेल और तुम्हारे पास एक रजिस्टर और एक सेल, ठीक, ये दे रहा है, तो ये तुम्हारे पास रजिस्टर है और ये तुम्हारे पास जो है सेल, ठीक, ये तुम्हारे पास जो है रजिस्टर, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है सेल, इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ये वैल्यू 2 ओम है, ठीक, ये तुम्हारे पास 4 वोल्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 2 ओम है और ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट है, ठीक, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो करंट दे रखा है, क्या करंट दे रखा है सर, यहाँ दे रखा है करंट इधर की तरफ ए, ये आई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है 5 एम्पियर यहाँ पे दे रहा है, ठीक। अब आपको समझिएगा क्या बोला इसने, इसने कहा कि तुम्हारे पास ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव, करंट इधर से आ रहा है ना, तो चूंकि ये तुम्हारे पास सी डी है इसलिए हमने ये पोलैरिटी तय करी है। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि मैं तुम्हारे पास ए से बी निकालूं, कोई स्टूडेंट कह सकता है कि मैं ए से बी, बी से ए निकालूं, ए से बी लेट सपोज मैंने तुम्हारे पास ई डी ले ली, ठीक है, अब मैं ए से बी गया, तो जब मैं ए से बी जाऊंगा तो लेट सपोज ये तुम्हारे पास ए से बी का डायरेक्शन है, ये एग्जिट, ये एग्जिट, ये एग्जिट, ये एग्जिट, राइट, हाँ, सो वी ए प्लस 2 × 5 माइनस तुम्हारे पास 4 प्लस तुम्हारे पास 2 × 5, ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास 10 इज इक्वल्स टू कितना वी बी, ये वैल्यू आई, ठीक, कहा कितना हुआ वी ए प्लस प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस तुम्हारे पास 26 इज इक्वल्स टू कितना वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना माइनस 26 वोल्ट, ठीक। अब लेट सपोज किसी ने कहा कि मैं बी से ए निकालता हूँ, बी से ए निकाल रहा हूँ मैं तुम्हारे पास क्या ई डी, ठीक, अब अगर बी से ए निकाल रहा हूँ तो मैंने ये तुम्हारे पास डायरेक्शन ले ली इधर की तरफ, मैंने कहा कि ये एग्जिट, ये एग्जिट, ये एग्जिट और ये तुम्हारे पास एग्जिट, ठीक, सो वी बी, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 10 माइनस 2 × 5 प्लस 4 माइनस 2 × 5 इक्वल्स टू वी ए, वी बी माइनस तुम्हारे पास 30 + 4 माइनस तुम्हारे पास 26, ठीक है, इक्वल्स टू वी ए, तो माइनस 26 इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये होगा क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।